पॉलिसी मुर्दाबाद 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 नई पॉलिसी मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 नई शिक्षा नीति मुर्दाबाद 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 नई शिक्षा नीति मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आपने चमारखेड़ा गांव के स्कूल का नाम सुना होगा। ये एक ऐसा वो स्कूल है, सरकारी स्कूल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ के बच्चे हर साल शिक्षा में अव्वल रहते हैं, प्रदेश स्तर का वो रैंक लेकर के आते हैं, जहाँ बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है। हर बार कभी कोई मंत्री आता है तो कभी कोई MLA आता है, बच्चों को सम्मानित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस स्कूल के बच्चे जो है वो शिक्षा में उत्तीर्ण जो स्थान है वो प्राप्त करते हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज इस स्कूल को ताला लगाने की नौबत आ चुकी है। क्या कारण है कि जिसके कारण इस स्कूल को ताला लगाने की नौबत आई है? हमारे साथ इस समय कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज ये स्कूल के बाहर क्यों इकट्ठे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आज क्या कारण है? देखा जा रहा है कि स्कूल के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी का कारण ये है जी, हमारे स्कूल के अंदर पहले पोस्ट खाली पड़ी है, मास्टरों की कमी है, हम अपने पैसे से मास्टर लगा रहे हैं और जो स्टाफ है वो स्टाफ भी अब बदली की कागार पर है और नए मास्टर यहाँ पर नियुक्त नहीं किए जा रहे, हमारा स्कूल बंद होने की कागार पर है जी। दर्शकों, मैं ये बात बताना चाहूँगा, इस स्कूल की जो कमेटी है, SMC कमेटी जिसे बोला जाता है, वो एक ऐसी जागरूक कमेटी है, अगर स्कूल के अंदर किसी भी स्टाफ की कमी होती है तो अपने आप ही पंचायत स्तर पर या फिर वो कमेटी अपने आप पैसे इकट्ठे करती है और स्कूल में अध्यापक को नियुक्त किया जाता है, अपने खर्चे पर उस पूरे स्तर को कंप्लीट करवाया जाता है ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो पाए। सर, आज की जो ये पूरी की पूरी जो देख रहे हैं कि स्कूल के अंदर माहौल जो बना हुआ है, अध्यापकों की ट्रांसफर को लेकर के जो नीतियाँ जो लेकर के आई है, आप क्या करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उसको लेके कि आज जो आप इकट्ठा हुए हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आप चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, सब आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ सुनी और सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचाने का आप काम करेंगे जी। सबसे पहले तो सर ये है कि हमारा स्कूल किसी से कोई छुपा नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारा स्कूल अव्वल आता है, चाहे 2019-20 की बात है। हमारा एकमात्र हमारा ऐसा सरकारी स्कूल था पूरे हरियाणा में जहां पहली, दूसरी और सातवीं पोजीशन सरकारी स्कूल की थी पूरे हरियाणा में। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकारी स्कूल की तीनों पोजीशन एक सरकारी स्कूल की आई हों। उसके बावजूद भी इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, इतनी बढ़िया यहाँ तरीके से पढ़ाई की जा रही है, या हमारे यहाँ पर साइंस स्ट्रीम नहीं है, पहले नहीं थी, हम लोगों ने प्रयास करके, गांव के लोगों ने प्रयास करके यहाँ साइंस स्ट्रीम लेके आए। सरकार ने हमें साइंस स्ट्रीम ज़रूर दे दी थी लेकिन उसके लिए हमें अध्यापक नहीं दिए थे, उन अध्यापकों का हमने अपने सत्र पर प्रबंध किया, हमने गांव में पैसे इकट्ठे करके अपने लेवल पर इकट्ठे पैसे करके ने यहाँ हमने टीचर रखे, जिसकी बदौलत आज पिछले साल हमारी जो सरकारी स्कूल में साइंस स्ट्रीम में जो बच्चों की जो संख्या थी पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा साइंस स्ट्रीम के बच्चों की संख्या थी हमारे स्कूल में। आज फिर सरकार की जो नई जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके तहत हमारे स्कूल की 10 पोस्टें लगभग कैप्ट कर ली गई हैं। पिछले साल हमारे इकोनॉमिक्स के एक प्राध्यापक की यहाँ से ट्रांसफ़र करके संस्कृति मॉडल स्कूल में उनको शिफ्ट किया गया, जिसके कारण हमारे यहाँ जो संस्कृत इकोनॉमिक्स के जो बच्चे थे वो धीरे धीरे इकोनॉमिक्स छोड़ के दूसरे विषयों में तब्दील होते चले गए और आज ये नौबत आ गई कि हमारी इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट है वो ख़त्म कर दी गई है। तो सरकार की ये क्या, किस तरह की क्या मनसा है हमें नहीं पता है कि धीरे धीरे एक एक टीचर की यहाँ पोस्ट ख़त्म करके और उसको जब उस पोस्ट का टीचर नहीं रहेगा तो बच्चे यहाँ कैसे आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो धीरे धीरे स्कूल में स्ट्रेंथ घटेगी तो ये स्कूल क्या बंद होने के कगार पर चला जाएगा। हमारी जो कमेटी है, इस गांव की जो कमेटी है, इस गांव के जो लोग हैं इतने जागरूक हैं शिक्षा के प्रति और इतना मतलब सहयोग करते हैं कि स्कूल को चलाने में, उस स्कूल का यदि यही हाल है तो सर बाकी हरियाणा के जो स्कूल हैं जो जहां पढ़ाई का सतर कम है, जहां के लोग जागरूक नहीं हैं, उन स्कूलों का क्या हाल होगा? सरकार की साफ साफ मतलब मनसा ये है कि इन स्कूलों को बंद किया जाए और इसकी जगह प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि 134A को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जगह चिराग योजना जो है वो लेकर के आई,
चिराग योजना क्या है? सरकार की यही चिराग योजना भी वही पॉलिसी है कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, जिस योजना के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो फीस देनी पड़ेगी और जो बच्चे चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे उनको सरकार स्कॉलरशिप देगी 1000 रुपये। तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि सरकार सरकारी स्कूलों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो सही नहीं है। सर, जिस प्रकार से देखा गया है, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो स्कूल का स्टाफ होता है उसकी अगर कमी होती है तो ये कमेटी जो है इकट्ठी होती है, पैसा एकत्रित करती है, पंचायत का भी कई बार इसमें सहयोग रहता है कि वो टीचर को नियुक्त करवा देती है। सर नमस्कार, ये हमारी कमेटी ग्राम पंचायत गाँव के लोग इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं और अच्छे तरह से सहयोग दे रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से अभी जो नीतियाँ चल रही हैं ये बार बार जिस तरह हमारे टीचर कम हो रहे हैं, हमारा तो बर्डन जिस तरह पहले 2 टीचरों पे था, हमें 2 टीचर रखने हैं, फिर धीरे धीरे 4 का हो गया, अब 10 का हो गया और 10 के बाद में 3 पोस्ट और कैप्ट होगी तो 13 का हो गया, ऐसे तो वे गाँव वाले फिर प्राइवेट स्कूल की तरफ भागेंगे जी। सर आपको क्या लगता है, सरकार जो नई नीतियाँ लेकर के आ रही है, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्कूल का जो शिक्षा का है वो भी प्राइवेटीकरण करना चाहती है? सरकार की तरफ से हर बार यही होता है, हमारे साथ नहीं, हर गांव के साथ, हर स्कूल के साथ, हर बार बच्चों के साथ यही होता है कि सरकार कोई ना कोई नई योजना लेके आती है और हमारे स्कूल को, हमारे बच्चों को, गांव को कमज़ोर करने का काम करते हैं ये लोग। इन्होंने पीछे से एक वो दी थी, अखबारों के अंदर भी आई थी और वो वीडियो में भी हमने देखी थी, भाई जो प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ाएंगे उनको हम 1100 रुपये देंगे और जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे उसको हम 500 रुपये देंगे। तो सरकार की मंशा ये है कि इन सरकारी स्कूलों को ख़त्म करके और प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों से इनको मुनाफा कम होता है और प्राइवेट स्कूल हैं उनसे कमीशन वगैरह सरकार लेती है, लेकिन ये इस बात को नहीं सोचते भी गाँव के जितने लोग हैं, जितने पंचायत है, जितने टीचर हैं, गांव के जितने भी बच्चों के माँ बाप हैं, वो कितना मेहनत करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। और फिर हमारे गांव का अगर स्पेशल बात की जाए तो हमारा गांव हरियाणा में प्रथम स्थान पर आता है, हर बार आता है, और गांव के लोग इतना मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, हर बार हम अपना भूखा रहना पसंद करते हैं लेकिन अपने बच्चों को कभी कमज़ोर होने की कोशिश नहीं करते, हमारे बच्चे कमज़ोर और स्कूल में ना जाएँ, और हमारे माँ बाप भी सारे बच्चे भी सारे यही कोशिश करते हैं कि हम अपने गाँव का नाम रोशन करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके हरियाणा में जो पहले की तरह हर बार प्रथम आने की कोशिश करें। और गांव ने तो इतना मतलब अच्छा कर रखा है कि पंचायत भी पूरा हर बार जोर लगाती है, टीचर भी जोर लगाते हैं, माँ बाप भी जोर लगाते हैं हमारा स्कूल, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा है कि ये चाहते हैं कि इन सरकारी स्कूलों को ख़त्म करके इनको प्राइवेट स्कूलों के साथ जोड़ा जाए और ये अपने जो मित्र प्यारे हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको ये सरकारी बिल्डिंग है वो दे के और उनको मुनाफा पहुंचाया जाए, ये तो आप सभी लोगों को पता भी है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम अपने सरकारी स्कूल को कभी गिरने नहीं देंगे, हम कभी बंद नहीं होने देंगे, हम अपनी बात पे अड़िंग हैं, हम अपने बच्चों के साथ हैं, अपने स्टाफ के साथ हैं और गांव वालों के साथ हैं। दयानंद जी, आप क्या कहेंगे इस प्रकार की जो नीतियाँ सरकार लेकर के आ रही है उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, आपने जैसे भी पहले भी बताया और जैसे आपने सुना, हमारे गाँव का जो स्कूल है इसका पूरा इलाका में नाम है और इसका उदाहरण दूसरे स्कूल ले रहे हैं कि इस स्कूल के जो बच्चे हैं हरियाणा में टॉप कैसे कर गए, ये हमारे स्टाफ की मेहनत, गांव का सहयोग और बच्चों की मेहनत का नतीजा है जी, बिल्कुल। और सरकार ये नहीं चाहती, क्योंकि सरकार ये जो अभी मौजूदा सरकार है, ये सरकार ये चाहती है कि कोई सवाल नहीं उठाए, क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और सरकार के खिलाफ सवाल उठाना सरकार नहीं चाहते कि हमारे पास कोई सवाल उठाए, इसी करके ये जो पॉलिसी ला रही है धीरे धीरे स्कूलों को ख़त्म करने की। आपने सुना देखा होगा कि हर बार सुनते हैं कि बहुत चीज़ें सरकार बेच रही है, तो जैसे सेना का वो किया है अग्निवीर योजना, इसी प्रकार स्कूलों की जो हालत है वो धीरे धीरे सरकार इस पॉलिसी के तहत ख़त्म करना चाहती है। हम ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम किसी हालत में हमारे स्कूल के को हम ठप नहीं होने देंगे। साथियों ने जैसे बताया कि पोस्ट खाली हैं, हम इसके लिए बड़ा आंदोलन लड़ेंगे और बड़ी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए चाहे हमें कहां तक भी जाना पड़े हम हमारे स्कूल के हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जैसे पीछे देखा गया था कि एक स्कूल, इसी स्कूल की एक छात्रा थी, शायद नाम जानवी था, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, वो आरोही पल्लवी और जानवी दोनों छात्राएं थी, वो आरोही मॉडल स्कूल में चली गई थी, लेकिन स्कूल की जो कमेटी थी वो वापस इसी स्कूल में उन छात्राओं को लेकर के आई थी।
ये हमारा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये बच्चे हमारे जो दूसरे बच्चे उनके आदर्श हैं, और हम हमारे बच्चों को आप हमारे स्कूल में ला करके हमारे स्कूल का जो नाम है उसको हम मतलब जिंदा रखना चाहते हैं, और सरकार के जो नीतियाँ हैं उसको हम किसी प्रकार कामयाब नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा आंदोलन हमने लड़े हैं और सरकार को झुकाया है, इस मामले में भी हमें चाहे कहीं जाना पड़े हम सरकार को झुकाएंगे और ज़रूर इस आंदोलन को हम जीतेंगे, और हमारे स्कूल में जो स्टाफ की कमी है उसको हर हालत में हम पूरा करवाएंगे चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जी बिल्कुल, लोग हमेशा जो है इस गांव के जो लोग हैं वो इस नीति के बिल्कुल खिलाफ़ है, चाहते हैं कि इस स्कूल के जो स्टूडेंट जिन गुरुओं से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो इसी स्कूल में रहे, कहीं और से ऐसा कोई अध्यापक भी ना आए, क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा घुल मिलकर जो अध्यापक रहते हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पूर्व की जो नीतियां थी उनको लेकर के भी ये काफ़ी गंभीर हुए थे लोग, और अभी भी इस नीति को लेकर के गंभीर जो है वो हो रहे हैं, अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आपका अगला कदम जो है वो क्या रहने वाला है? सर, आपके माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानी, हमारे स्कूल में जितनी पोस्टें जो कैप्ट की गई हैं उनको नहीं खोला गया, तो हमारा जो आंदोलन है निरंतर चलता रहेगा। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जितनी स्कूल में जो पोस्टें हैं लगभग हमारी दस पोस्टें हैं जो कैप्ट की गई हैं उन पोस्टों को दोबारा खोला जाए और नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत उनको भरा जाए। यदि उन पोस्टों को नहीं भरा जाता है तो हम इसके लिए लंबा आंदोलन लड़ेंगे। आज हम यहीं पर ख़त्म होने वाला आंदोलन हमारा नहीं है, बहुत लंबा आंदोलन चलेगा, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। जहाँ तक हमारा मतलब संघर्ष चलेगा हम करते रहेंगे और हमारी मांगें मनवा के रहेंगे सरकार से। इस मामले को लेकर के शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से आप मिले हो? शिक्षा अधिकारी से भी मिले हैं हमें, पिछले दिनों हमारे यहाँ आए हुए श्रीमान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सिंह जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे मतलब बस की बात नहीं है, ये तो एक पोर्टल चला हुआ उसके तहत है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ही जो ये पोर्टल चला रही है वो सरकार ही चला रही है, सरकार की ये मंशा है कि इन सरकारी स्कूलों को जब बंद किया जाए, ये एक नीति के तहत इन सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं कि कभी एक टीचर को वहाँ से उठा लिया तो उसकी वहाँ बच्चे नहीं रहेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फिर किसी दूसरे टीचर को वहाँ से उठा लेंगे तो उसकी मतलब वो बच्चे नहीं रहेंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे इन स्कूलों को वो दूसरे स्कूलों में कन्वर्ट करेगी, फिर दूसरे स्कूलों में भी यही हाल रहेगा, वहाँ नई अध्यापक भर्ती नहीं किए जाएंगे तो पुराने उसमें रिटायर होते चले जाएंगे तो पद खत्म हो जाएंगे, तो उन सभी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सरकार की यही पॉलिसी है। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये पॉलिसी हम नहीं चलने देंगे, इसके लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, जिस सत्र का भी संघर्ष करना पड़ेगा उस संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। तो आज क्या किसी को ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा या फिर यहीं बैठ आज हम श्रीमान बीओ साहब को, तहसीलदार साहब को, इनको हम ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार तक हमारी मांग ताकि ये पहुँचाएँ। दर्शकों, चमारखेड़ा गांव की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था, एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे हमेशा अव्वल आते हैं, शिक्षा को लेकर के ये गांव इतना जागरूक है, अपने बच्चों को खाना भले ही एक टाइम नहीं दे पाए लेकिन शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के लिए हर वो कदम उठाना संभव समझते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा से बिल्कुल भी वंचित ना रह पाए। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक साथी और है हमारे साथ, कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहें? सर, आपका धन्यवाद, आपने इस गांव को कवरेज किया और मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद। बताना चाहूँगा ये स्कूल किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ये स्कूल जब से गांव बसा है 100 साल का ये गांव, ज़्यादा का उम्र का ये गांव हो चुका है और 100 साल से ज़्यादा उम्र का ये स्कूल है, और इसने हर क्षेत्र में वैज्ञानिक भी दिए हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं, साइंटिस्ट और सब इसी स्कूल से पढ़ के गए हैं। इसने बहुत ही हीरे दिए, नगीने दिए हैं समाज को। बदलाव की बात करते हैं, अब सरकार पॉलिसी में बदलाव करती है या कोई भी ऑफिसर या कोई भी ऑफिस अधिकारी बदलाव करता है, मैं तो कहता हूँ बदलाव का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है ना तो ये स्कूल है। बदलाव करना इस स्कूल से सीखें, इस स्कूल से सीखें कैसे स्कूल बिल्कुल नीचे चला गया था और कैसे ऊपर उठा। ये स्कूल ऐसे नहीं है कि साइंस स्ट्रीम कह दिया इन्होंने, ग्रामीणों ने कह दिया और साइंस स्ट्रीम आ गई, हमने किसी को प्रेस नोट दे दिया और साइंस स्ट्रीम आ गई। साइंस स्ट्रीम के लिए इन मेरे ग्रामीणों ने चंडीगढ़ के 17 से 18 राउंड लगाए हैं, अपना काम छोड़ के, सारे खेती हर मजदूर हैं, सारे अपना काम छोड़ते हैं चंडीगढ़ जाते हैं, फिर अपना काम छोड़ते हैं चंडीगढ़ जाते हैं, उसके लिए तब जाके 17 बार गए हैं तब जाके यहाँ साइंस स्ट्रीम आई है। साइंस स्ट्रीम आ गई, बच्चे भी आ गए, साइंस स्ट्रीम में इतने बच्चे थे
किसी के गांव में पूरे सरकारी स्कूल में पूरे बच्चे इतने नहीं होते जितने एक स्ट्रीम में यहाँ थे जी, तो उतने बच्चे भी आगे रुझान बढ़ाया, मोटिवेट किया लोगों ने, इन ग्रामीणों ने रैलियाँ निकाली, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, इन्होंने किया, टीचर्स ने सिर्फ पढ़ाया, मेहनत करी, बच्चों ने पढ़ा, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो काम होता है ना, इन ग्रामीणों ने किया, वो काम अव्वल है, वो काम बदलाव का उदाहरण है। तो मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी पॉलिसी है या कुछ भी बदलाव आप चाहते हो, इस स्कूल से पूछो क्या बदलना है, इस स्कूल को उदाहरण लेके चलो कि ऐसे बदलाव की ज़रूरत है हमारे समाज में, हमारे ब्लॉक में, हमारे एरिया में। तो बदलाव यहाँ से सीखो, ये मेरी गुजारिश मानो, ये प्रार्थना मानो सरकार से या अधिकारियों से कि बदलाव जो करना है इस स्कूल से सीख के करो, इस स्कूल ने बहुत कुछ बदला है समाज में। धन्यवाद। बिल्कुल, बदलाव की अगर बात की जाए तो इस स्कूल में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं और वो सारे बदलाव इन ग्रामीणों की बदौलत ही हो पाए हैं। तो दर्शकों, लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। लगातार बने रहिएगा अपने सहयोगी के साथ, मैं आपका साथी नरेश कुमार। बुजुर्ग सभी आप उपस्थित हैं, ये सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के है, जिसमें चमारखेड़ा GSS चमारखेड़ा की कुछ पोस्टें कैप्ट की गई हैं, उसके विरोध में ये धरना दिया गया है। तो हम ये आपका ज्ञापन ले लिया है और ये सरकार तक पहुंचा देंगे, ऊपर BO DO के थ्रू चला जाएगा। और वैसे सुनने में आया है कि पोस्टें खुल गई हैं, जो कैप पोस्टें थी वो भी सरकार ने अब खोल दिए, अभी पता करवाया है, तो काफ़ी पोस्टें जो कैप थी वो खुल चुकी हैं। ये क्या इनका आरोप था कि मतलब बंद थी तो इसको दोबारा खोल दिया है? हाँ जी, क्योंकि चंडीगढ़ भी काफ़ी यूनियन के हमारे अध्यापक प्राध्यापक साथी गए हुए हैं और ग्रामीण लेवल पर भी पूरे हरियाणा में बहुत ज़्यादा एजिटेशन चल रहा है इस नीति के खिलाफ। तो अब सरकार ने आपकी भी सुनी है तो उसके ऊपर काम हुआ है। जो ये ताड़ाला बंदी की गई थी, क्या आपको सूचना थी कि आपके यहाँ बाहर से आपको अंदर रोक दिया गया? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। नहीं, आप अंदर बंद थे तो आपको जानकारी? हम तो अपने क्लास ले रहे हैं। अच्छा, स्कूल चल रहा है विधिवत, अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है। तो ये तो ग्रामवासियों को सूचना मिली है, उसी आधार पे उन्होंने खुद तालाबंदी की पूछी जनाब आपसे कि जो तालाबंदी थी स्कूल की, क्या आपको जानकारी थी कि आपके बाहर से कुछ पहले नहीं थी? अब तो पता लग गया था, अभी ग्रामवासी आए हुए हैं, एजिटेशन पे हैं और धरना लगा दिया है, बैठे हैं गेट के बाहर, लॉक लगा दिया है। तो इस बारे में आपने किसी आधिकारिक रूप से किसी को कहा भी यहाँ तालाबंदी हो चुकी है? हाँ, BO साहब को मैंने सूचित कर दिया है, वो कहते हैं भी जो ग्रामवासी आपको लिखित में सूचना दे रहे हैं ना जी, वो आप ले लो और हमारे तक पहुंचा दो, आगे पहुंचा देंगे उच्च अधिकारियों के। तो यहाँ पद कितने हैं और अब कितने दिखाए जा रहे हैं आज की तारीख में? अब यहाँ 13 पोस्ट वर्किंग में हैं जी और 9 पोस्ट हमें और चाहिए जी। हाँ जी, 22 चाहिए। तो 22 कम से तो कम। अब जो खत्म बता रहे हैं कितनी की गई थी अभी? अब 3 पोस्टें कैप्ट की गई हैं जी, तो उसके एवज में हमारे पास जैसे इंग्लिश की 2 बनती हैं, 1 वर्किंग में है जी, तो 2 दिखा रहा है अभी, 2 पोस्ट दोनों आ गई हैं जी। और हिंदी की 2 बनती हैं, 1 पोस्ट वर्किंग में है, तो अब दोनों दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ पोस्टें जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और हमारे इकोनॉमिक्स की, होम साइंस की, फाइन आर्ट की, ये पोस्टें और हमारे साइंस जो है 6 से 8 में साइंस और मैथ की, वो अभी खाली है। तो अब ट्रांसफ़र में हो सकता है वो सभी पद भर जाएं।